बैंक निफ्टी की ये 1 मिनट की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी आपको 10 में से 9 बार प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। यह बैंक निफ्टी का चार्ट एंड टाइम फ्रेम है 1 मिनट का। यहाँ पर आप एक बैंड देख सकते हो ब्लैक कलर का। देखने में ये इंडिकेटर बिल्कुल ही बॉलिंजर बैंड की तरह होता है, बट उससे भी अच्छा वर्क करके देता है। मार्केट इस बैंड के अंदर ही चलना चाहती है, लेकिन जैसे ही कोई कैंडल इस बैंड से बाहर निकलकर क्लोज होता है आपको वहां पर एक्टिव हो जाना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल बैंड से बाहर निकलकर क्लोज करा है। अब यहाँ के बाद से जैसे ही कोई कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करती है आपको अपने ट्रेड में एंट्री बनानी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था मार्केट इस बैंड के अंदर रहना चाहती है, इसलिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। और यहाँ आप देख सकते हो इस कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करा और मार्केट नीचे ही चलती चली गई। जिस कैंडल के लो के ब्रेक होने पर मैंने अपनी एंट्री बनाई उस कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रहेगा। यहाँ आप कॉल साइड के एग्जांपल में भी इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी देख सकते हो। इस इंडिकेटर का नाम है हाई लो बैंड और इसमें आपको पीरियड को 10 रखना है एंड आपका सिर्फ परसेंटेज 0.1 का रहेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।